हाँ लाइट चल रहा है कैप्स लॉक का। क्या बात कर रहे हैं? तो ये लैपटॉप को, अरे भाई फाइल्स इसके अंदर है। कब लोग किसी और चीज के बारे में होने वाला था। आई वॉज जस्ट अबाउट टू कम्प्लीट माई एडिट फॉर द वीडियो, जब अचानक से मेरा लैपटॉप का डिस्प्ले जो है जस्ट ऑफ हो गया, काम करना बंद कर दिया। एंड आई वॉज लाइक क्या हुआ, आई रियली रियली गॉट एंग्शियस एंड स्केर्ड। पर निखिल इज ट्राइंग टू फिक्स इट एंड ट्राइंग टू गेट इट वर्किंग। और हमने जो टेक्नीशियन से बात किया वो बोलता है कि शायद डिस्प्ले उड़ चुका है। शायद डिस्प्ले उड़ा, पर टेंशन लेने की बात नहीं है। ये एग्जैक्टली से मेरे पुराने लैपटॉप का एक बार हुआ था। कभी कभी फनी कुछ हो जाता है और उसको चेह रहता है, भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं सो रहा हूँ। सो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन लैपटॉप शट डाउन करेंगे, दबा के छोड़ देंगे 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए कोई टेंशन नहीं, अपना और एक मैकबुक है जो मेरा है, थैंक गॉड एक और मैकबुक है जिसपे मैं अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रख सकती हूँ। पर एक ही प्रॉब्लम हुआ कि जो भी लास्ट फुटेज था वो सारा का सारा मैंने इसमें डाल दिया था और अपने कैमरा से पूरा फॉर्मेट कर दिया था। सो आई डोंट हैव एनी सिंगल फुटेज, जो मुझे निखिल बोलते रहता है कि ये नहीं करने का। शी डिड नॉट फॉलो द रूल वेयर यू नेवर डिलीट द फाइल फ्रॉम द कैमरा। सपना नहीं आया था मुझे, अनलेस एंड अंटिल द व्लॉग इज अपलोडेड, द मोमेंट व्लॉग इज गेटिंग अपलोडेड दैट इज द टाइम यू डिलीट। आई नो, पर मुझे सपना नहीं आया था कि मेरा लैपटॉप बंद हो जाएगा। सो नो प्रॉब्लम, ऐसी बातें होती रहती है। निखिल हैज गिवन मी सम स्ट्रेंथ एंड आई थॉट कि मैं एक नया वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप लोग से बोलती हूँ कि बुरी चीजें होती है। द ओनली थिंग दैट सक्स इज दैट वी आर ऑन अ ट्रिप राइट नाउ एंड ट्रिप पे सब चीजें फिक्स करेंगे, बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऐसे जब टेक्निकल इश्यूज ट्रिप पे होती है तो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस क्रिएटर्स हु हैव टू डू ब्रांड कॉन्टेंट, क्रिएट कॉन्टेंट एंड डू एवरीथिंग एल्स ऑन द लैपटॉप। अरे अपना ये बता, नेल्स बता। ये है मेरे फ्रेंच मैनिक्योर नेल्स जो मैंने कल कराया। जब भी आप यू नो इस पूरे सीन के बाद अपने पहले ट्रिप पे जाओगे आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली के साथ, यू आर गोइंग टू गेट दी एग्जैक्टली सेम फीलिंग जो हमें अभी आ रहा है। इट इज़ सच अ डिफरेंट फीलिंग। रेस्टोरेंट में जाके खाने के लिए या मॉल में घूमने के लिए या फिर ऐसे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए बड़ा मज़ा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इट्स अ होल न्यू डिफरेंट एक्सपीरियंस, इतना ज़्यादा स्पेशल। एंड आई एम ग्रेटफुल कि हमें ये करने को मिल रहा है। पिछले वीडियो पर इतना सारा प्यार और अच्छे कॉमेंट्स और फीडबैक देने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। आप मुझे इस ट्रिप पे देखोगे कि मैं बहुत अच्छे से तैयार हो रही हूँ। इस बार मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस ट्रिप पे मैं अच्छे से तैयार होंगी एंड आई वोंट रोम अराउंड लाइक अ झल्ली दैट मच, बिकॉज मैंने अपने कपड़ों को और सजना सवरना इतना ज्यादा मिस किया है इन लॉकडाउन कि इस ट्रिप पे आई एम गोइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड गोइंग टू टेक सो मेनी पिक्चर्स और बहुत मजे करने वाली हूँ। लॉकडाउन चाहे हम सबको जितना ही बुरा लगा हो पर बहुत सारी अच्छी चीज और बहुत सारी चीजों का वैल्यू सिखा दिया है लॉकडाउन ने। सारे दिन हमारा यहाँ से वहाँ घूम के हो चुका, इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, रोज़ ही भूख लगती रहती है हमको। तो हम खाने आए एम्बियंस मॉल। इस मॉल में हम पहले भी आए पर कभी भी इस पार्ट में नहीं आए। ये पार्ट बेटर है, ये पार्ट कितना ज़्यादा हैपनिंग है। और दिल्ली में तो सारे रेस्टोरेंट्स कैफेज को खुला देख कर इतनी खुशी हो रही है, यू नो। आएगा मुंबई का टाइम नहीं आएगा, अपना टाइम आएगा पता है, पर खुशी हो रही है। ये मैडम मैडम बहुत महंगा वेटर हूँ, कांट अफोर्ड। जाओ पैम्परिंग योरसेल्फ। यस ऑलमोस्ट डन। बैक टू द होटल। और आज हमको इतना ज्यादा मजा आया, मैं बोल भी नहीं सकती। पूरा दिन काफ़ी एडवेंचरस था और फुल ऑफ प्लानिंग था। हम डिसाइड कर रहे थे कि इससे आगे हम कहाँ बढ़े, बिकॉज ड्यू टू कोविड बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस है। तो हम देख रहे थे कौन सा जगह सबसे सेफ होगा जाने के लिए, ये सब डिसाइड कर रहे थे। अपने दोस्तों के साथ घूमने में इट फील्स लाइक अ प्रिविलेज एंड मैं इतना थक गई हूँ। अभी मुझे अपने बैग्स भी पैक करने थोड़े टाइम में, बिकॉज कल हमको निकलना है। पता नहीं कहाँ जाएंगे बट लेट्स सी। आई एम रियली टायर्ड, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ बिफोर आई स्टार्ट माई पैकिंग एंड एवरीथिंग। व्हाइल आई एम डूइंग दैट आई वांटेड टू क्विकली टॉक टू यू गर्ल्स।
अबाउट माई मोस्ट फेवरेट होली ग्रेल लाइफ सेवर प्रोडक्ट दीज डेज द मामा अर्थ माइसेलर वॉटर फोमिंग मेकअप रिमूवर. दिस हैज लिटरली चेंज माई लाइफ. मेकअप लगाने में बड़ा मजा आता है. यू नो मेकअप इज अ मस्ट फॉर गर्ल्स लाइक मी लव टू वेयर मेकअप. बट जब मेकअप को निकालने का टाइम आता है तो बहुत ही ज्यादा बोर होता है. गर्ल्स जस्ट वॉश द फेस एंड गो टू स्लीप बट दैट डजंट रिमूव द मेकअप ऑफ. इट्स रियली बैड टू डू दैट. तो मेकअप निकालना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं नॉर्मली दो स्टेप्स करती हूँ. पहले आई यूज अ प्रॉपर मेकअप रिमूवर ऑयल बेस्ड वाला और फिर उसके बाद मैं अपना फेस क्लेंजर यूज करती हूँ. इसने मेरी जिंदगी को इतना आसान कर दिया है बिकॉज दिस जस्ट टेक्स वन मिनट. इसके अंदर ही माइसेलर वाटर है और इसको ही आप डेली फेशियल क्लेंजर मेकअप रिमूवर की तरह यूज कर सकते हो. वन मिनट टेक्स ऑफ ऑल योर मेकअप. नाउ आई डोंट नीड टू डू टू स्टेप्स एंड यू नो स्पेंड अ लॉट मोर टाइम. जस्ट एक मिनट लगता है और इसी में एक स्टेप में पूरा मेकअप भी निकल जाता है और फेस भी पूरा साफ हो जाता है. बट आई क्विकली वांट टेल यू गाइज अबाउट माई फर्स्ट इंप्रेशन. आई लव मामा अर्थ यू गाइज नो. पर मुझे लगा था यार वी ऑल नो मेकअप जो आई लाइनर मस्कारा ये सब होता है इसको निकालने में प्रॉपर मेकअप रिमूवर यूज करना पड़ता है वरना निकलता नहीं है. सो आई वाज लाइक मे बी इट माइट नॉट वर्क सो आई गिव इट अ ट्राई. जैसे ही मैंने इसको यूज किया फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इतनी ज्यादा शॉक्ड और इम्प्रेस थी कि इट एक्चुअली वर्कड. एंड मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा आईएसओ सेटिंग रूम में बदल गया बिकॉज माई स्किन लुक्ड सो मच ब्राइटर. दिस इज समथिंग एवरी गर्ल हु वेयर्स मेकअप नीड्स टू हैव. एंड बॉयज इफ यू आर सीइंग दिस गिफ्ट इट टू योर सिस्टर और योर गर्लफ्रेंड और योर फ्रेंड हु वेयर्स मेकअप. दे आर गोइंग टू थैंक यू. इट हैज रोज वाटर एंड ग्लाइकोलिक एसिड. बोथ आर ग्रेट फॉर स्किन. Guys, do try out the 1 minute challenge from Mama Earth where you have to remove your makeup in under a minute like I'm doing right now. You can take it up and share your experiences in the comment section down below. Tag me in stories on Instagram if you do this and use the hashtag 1 minute challenge. Can you see the difference instantly? Sara liner, mascara, lipstick, blush, foundation, sab kuch nikal chuka hai. And my skin is literally glowing. You guys can always use my coupon code SHANIS2020 for 20% off at mamaearth.in. Amazon or Nykaa se bhi khareed sakte ho. And the link will be in the description box below. So make sure you check it out. Technically, as I'm talking to you guys right now, हम लोग को होटल छोड़ के अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जाना था. पर कल बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें की हमने. उसमें से एक है कि हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट के लिए रुके हैं, उसके रिजल्ट्स के लिए रुके हैं. उसके बाद ही वी कैन मूव फॉरवर्ड. होता है सो लेट्स सी कितने बजे आएगा. देख टेक्निकली अभी तक आ जाना चाहिए था. राइट नाउ इट्स 3:15 तो 1 बजे आने वाला था. बट एक तरह की अच्छी बात भी कि लेट आ रहा है. तो लेट द बेटर ऐसा बोलते हैं. लेट निकलना भी कुछ दिन में गर्मी होती है ना. हाँ. तो ज्यादा दूर नहीं आ रहा. लेट निकलेंगे तो अच्छा 5-6 घंटे में पहुंच जाएंगे. वही रात को फिर सो जाएंगे. लेट्स सी पैक करने को टाइम लगेगा. लेकिन इसको मेरे पास चप्पल नहीं है तो मैं निकल की चप्पल पहनती हूँ. और निकल की चप्पल जो है पुरानी वाली रहेगी शोभित के रूम में. तो निकल ने मुझे अपना चप्पल दिया. नया BMW का चप्पल है जो कि कल जीशान अब्दुल भाई ने मुझे गिफ्ट किया. तो कैसे लग रहा है BMW का चप्पल? बनी जानस बहुत बड़ा नाइस ना. ये देख बहुत बड़ा. बड़ा तो रहेगा ना. 10 नंबर का चप्पल है तो ऑब्वियसली बड़ा रहेगा. छोटा चप्पल छोटे पहनूंगा मैं. क्या करूँ छोटे चप्पल पहन के. बट यार इट्स यार अपना मुंबई के बदर से अच्छा लग रहा है ना. हाँ. यार ज़्यादा ही मतलब गर्म है. मतलब ऑफकोर्स भगवान सबको सब कुछ नहीं देता है. दिल्ली को रास्ते दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दी, अच्छे अच्छे मॉल्स दिए. अच्छा सर. तो निखिल एडिट कर रहा था एंड ही वॉन्ट्स मी टू स्क्रब हिज फेस एंड मेक हिम लुक ब्यूटीफुल. तो उसके पास हेयरबैंड नहीं है. हेयरबैंड नहीं है उसके पास. मेरे पास हेयरबैंड नहीं है. मेरे बाल आ रहे थे शायद. तो मैंने पोनीटेल बांधा है. बट सी इट्स हेल्पिंग. शो योर. मुझे तो पता भी नहीं कैसा लगा. सो क्यूट. वेरी क्यूट. निखिल स्किन ट्रीटमेंट इज डन. नाउ टाइम टू रिमूव दिस पोनीटेल. मसाज किया उसने मुझे फेस पे. कमेंट में बताना अगर आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको ऐसा करती है या आप अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे करते हो. तो आई लव टू डू दिस टू निखिल एंड निखिल एंजॉयज इट. सो यू डोंट लाइ नाउ ऑन कैमरा. आई एंजॉय. हु कौन एंजॉय नहीं करेगा फेस पे मसाज ट्रीटमेंट? कौन एंजॉय नहीं करेगा? स्किन ग्लोइंग निखिल. एवरीवन एंजॉय. यार लड़कियों के हाथ में जादू रहता है. टच करते सब मस्त खूबसूरत कर देते हैं. अभी जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी मैं निखिल के लैपटॉप पे फाइनल कट प्रो का फ्री वर्जन डाउनलोड कर रही हूं ताकि अगर मेरा लैपटॉप बाय चांस चालू ना हुआ या मुझे कुछ अर्जेंटली एडिट करना है. ब्लॉग तो एडिट करना ही पड़ेगा ट्रिप पे. तो फ्री वर्जन ही डाउनलोड करके उस पर एडिट कर दूंगी. वर्क नीड्स टू बी डन. जुगाड़ क्या किया हमने? HDMI केबल भी ऑर्डर किया है. सो HDMI बिकॉज डिस्प्ले उड़ा है तो HDMI केबल डिस्प्ले टीवी पे करेंगे. टीवी पे डिस्प्ले दिख जाएगा. देन यू कैन वर्क ना. यस. ये मैं एडिट कर रही थी यहाँ पे निखिल के लैपटॉप पे. और ये ऐसा हो गया. अभी मेरा लैपटॉप का स्क्रीन इस पे चल रहा है. ओह माय गॉड. थैंक यू. यू वांट टू रेंडर दिस वीडियो? Yes, I upload? I don't know.
अपलोड दिस, दिस इज एन इंस्टाग्राम कैंपेन, सो शुड आई, थैंक यू, थैंक यू मेरे भाई, 100 रुपए का जो भी है ये बस सही चल गया, मतलब ये डिस्प्ले उड़ा है, डिस्प्ले उड़ा ठीक हो जाएगा, फ्री अपना वारंटी में, फ्री फ्री। फाइनली मेरा सारा काम करके हो चुका है, एडिट करके भी हो चुका है, थैंक गॉड। लेकिन अब तक हमारी रिपोर्ट्स नहीं आई है और हमारा जो टाइम है निकलने का वो कब से पास होते जा रहा है, तो नहीं पता क्या होगा, बट वी आर जस्ट गोइंग टू बी रेडी कि इन केस जैसी रिपोर्ट्स आ जाए तो हम निकल जाए। दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, टू सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ द वंस अराउंड यू एंड बी काइंड।